कहाँ गया? बोल, बापूजी को मनाने का क्या आइडिया सूझा तुझे? टप्पू के पापा याद है कल रात को जब बापूजी गुस्सा हो गए थे तो बापूजी ने क्या कहा था? उनके मित्रों प्रेमजी भाई के घर पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा था, लेकिन हमारे घर पर खाने का प्रोग्राम रखा था, इसलिए बापूजी उनके मित्रों के घर पर नहीं जा पाए। हाँ, तो क्यों ना हम आज शाम को बापूजी के सभी मित्रों को हमारे घर पर भजन कीर्तन के लिए बुलाए और बापूजी को सरप्राइज दे। अरे वाह दया, वाह क्या जबरदस्त आइडिया है! भजन कीर्तन और दोस्तारों की सरप्राइज से बापूजी खुश हो जाएंगे और सबके सामने मैं बापूजी से माफी भी मांग लूंगा, बापूजी मुझे माफ कर देंगे। अरे वाह वाह, बराबर है बराबर है, बापूजी को मनाने का ये बिल्कुल सही रास्ता है। वाह मेरी दे। लेकिन दया, हमें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि इस सरप्राइज के बारे में बापूजी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे किसी को छोड़ने भाई, बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, पता नहीं चलेगा बापूजी। नहीं कहीं हरक खरक में बापूजी को तू ही मत बता देना। नहीं नहीं, नहीं बोलूंगी, चिंता मत कीजिए। और टप्पू को भी बोल देना कि गलती से भी वो इस सरप्राइज के बारे में बापूजी को ना बताए। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। और देखिए अभी हमारे पास समय बहुत कम है, सबसे पहले हमें एक अच्छी सी भजन मंडली ढूंढनी होगी। मैं क्या कहता हूँ, भजन मंडली की क्या जरूरत है? मैं बाघा को बोल देता हूँ, वो क्या है कंप्यूटर में से बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन का लोडिंग वो छोटी सी पेनड्राइव में कर देगा, तो एक ही पेनड्राइव में 200-300 भजन आ जाएंगे, 2-3 घंटे तक बजते रहेंगे, ना मर्जी से सुनते रहो। ओहो वाह, मस्त आइडिया है। अच्छा तो मैं टप्पू को कह के भजन कीर्तन के लिए स्पीकर की व्यवस्था करवाती हूँ। हाँ, और सभी मेहमानों के लिए मैं खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, और मैं अभी दुकान जाके बापूजी के सभी दोस्तारों को शाम के प्रोग्राम में आने का फोन पे आमंत्रण दे देता हूँ। बढ़िया है, भजन से शुरू हुआ बबल भजन से खत्म हो जाएगा। हाँ। बोलो अम्मे माची की जय। चलिए चलिए टप्पू के पापा, समय बहुत कम है। हाँ, हाँ, दया, बापूजी ने मुझे माफ कर दिया ना, तो हम दोनों पूरी रात गरबा करेंगे। हाँ? पता है यहाँ नहीं, ये तो अभी समय कम है ना, इसलिए मैंने कहा कि अभी यहाँ से हेलो। हाँ, हेलो हेलो, बैठ जा। दूसरी रिक्शा क्यों करनी है, मैं तुझे गोकुल धाम उतार के फिर दुकान चला जाऊंगा। थैंक यू भाई साहब वेटिंग करने के लिए। अभी पहले पाउडर गली ले लो, ये भाभी को उधर उतार के फिर जहाँ जाने के लिए मैंने आपको रोका था ना पहले, फिर वहाँ जाना है। चलिए थैंक यू दया, थैंक यू, क्या आइडिया दिया है तूने, मेरा सारा टेंशन दूर हो गया, एकदम हड़वा फुल कर दिया तूने। वैसे टप्पू के पापा थैंक यू मुझे नहीं, माता जी को कही है। अच्छा ये आइडिया भी सासू माँ ने दिया था? अरे नहीं नहीं, वो माता जी नहीं, सबसे बड़े माता जी। उन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया तो मैंने आपको कहा। रिक्शा का हैंडल कहाँ छोड़ रहे हैं आप? खाली मुंह से जय बोलिए। माता जी का सच ही ऐसा है, बोल बोले लोग तल्लीन हो जाते हैं। हाँ, सब काम धंधा छोड़ के जय बुलाते हैं। लेकिन आप अपना काम धंधा मत छोड़ो भाई, वरना इधर हमारा जय हो जाएगा। जा गया दया, जबरदस्त जबरदस्त आइडिया है, बापू जी अभी मान ही जाएंगे। बोलिए बोलिए बावरी जी। हेलो बागेश्वर जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका इंतजार। बागा, बावरी को दुकान में मत बुलाना, सेठ जी का मगज पहले से ही रेगिस्तान की रेत की तरह तपा हुआ है। नहीं नटू काका, मैं बावरी जी को दुकान में नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो उनसे ये कह रहा था कि मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बावरी जी? हाँ बागेश्वर जी, आप कितने फोन मेंटिक हो। क्या करूँ बावरी जी,
मैं ऐसा ही हूँ। बागेश्वर जी, मैंने आपको जो गाने की लिस्ट दी थी आपने डाउनलोड कर दिए? बावरी जी, मैं आपके वही गाने डाउनलोड कर रहा हूँ। सच कहूँ, आपके गानों की पसंद एकदम अफलातून है। मेरी तो हर पसंद अफलातून है बागेश्वर जी। वैसे बावरी जी, मेरी पसंद भी आपकी पसंद की तरह अफलातून है। अरे बाप रे, बावरी जी, सेठ जी आ गए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बागेश्वर जी। बागा, एक काम कर, तो बढ़िया सा भजन कीर्तन डाउनलोड करके एक पेन ड्राइव में डाल के मुझे दे दे, और फटाफट करना, मुझे घर जाना। जी सेठ जी। सेठ जी, अचानक आपको ये भजन कीर्तन का शौक कहाँ से लग गया? नट्टू काका, लगता है सेठ जी संन्यास ले रहे हैं। संन्यास ले तेरी बावरी। हाय हाय सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो तू क्या बोल रहा है, मैं क्यों संन्यास लूं? सॉरी सेठ जी। बागा, सेठ जी संन्यास लेंगे तो हम दोनों को भी कंपलसरी संन्यास लेना पड़ेगा। माइंड योर लैंग्वेज। क्या है बागा कि एक उम्र के बाद इंसान को अपने आप भजन कीर्तन करने का मन करता है। ओ यंगस्टर, एक उम्र, अरे ये भजन कीर्तन मुझे अपने लिए नहीं, बापूजी के लिए चाहिए। अरे वाह, बापूजी का आपके ऊपर का गुस्सा शांत हो गया? नहीं हुआ है, लेकिन शांत हो जाए उसके लिए दया ने यह बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। कौन सा आइडिया सेठ जी? बापूजी के दोस्तों को शाम को भजन कीर्तन के लिए घर पे बुला के बापूजी का मस्त बढ़िया सरप्राइज देंगे। इससे क्या है, बापूजी खुश हो जाएंगे और उनका जो मेरे ऊपर का गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। वाह वाह सेठ जी, सेठानी जी ने एकदम मस्त आइडिया दिया है। नहीं, जबरदस्त। चल चल बाका, तो फटाफट हो सब भजन कीर्तन लोडिंग करना चालू कर दे, टाइम नहीं है। और नटू काका, मैं गोडाउन में जाता हूँ, वहाँ से बापूजी के सब दोस्तों को शाम के प्रोग्राम का आमंत्रण देना है ना, तो मैं वहाँ से फोन कर देता हूँ, ठीक है? और तू जल्दी करना भाई। जी। कौन भागा? बगल अब। नटू काका, वहाँ से जरा पेन ड्राइव देंगे प्लीज? हाँ, वन मिनट। ये ले बेटा। लाइए। हेलो। हाँ ब्रह्म जी काका। हाँ कौन? फाइलाकू काका, मैं आपके मित्र हैं ना चंपकलाल जी गड़ा, उनका सुपुत्र बोल रहा हूँ, जेठालाल गड़ा। हाँ बोलो बोलो जेठालाल, अचानक याद किया, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ एकदम एकदम बढ़िया। काका, आपको एक निमंत्रण देने के लिए फोन किया है। कैसा निमंत्रण? वो आज शाम को हमारे घर पे वो बापू जी के लिए हमने एक सरप्राइज भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया है, तो उसमें आपको खास आना है। वाह वाह, तो शाम को 6 बजे आप आ जाना। हाँ काका। और हाँ काका, वो आपका जो ग्रुप है ना, वो बापू जी और आपका यंग ओल्ड सीनियर सिटीजन ग्रुप, तो उसके सभी मेंबर को आना है। जरूर जरूर आएंगे। और ये अचानक भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखने का कारण क्या? अभी भगवान को याद करने के लिए कोई कारण की थोड़ी जरूरत होती है। सही बात है, जब वैसे मन किया तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए, है ना? वाह वाह जेठालाल, क्या बात कही है, तेरे अंदर चंपक के संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल काका, ये सब बापूजी के संस्कार है, उसी की वजह से ऐसा सब करने की और कहने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो हम शाम को 6 बजे आ जाएंगे। काका, एक और मेरा छोटा सा काम है, करेंगे आप प्लीज? हाँ बोलो बोलो। वो क्या है, बापूजी के सभी दोस्त के फोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो आप अपने जो ग्रुप के जितने भी उनके दोस्त है ना, उनको जरा आमंत्रण दे देंगे मेरी तरफ से? हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, मैं सबको फोन कर देता हूँ, और शाम को 6 बजे चंपक को सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। बस बस बस, और काका एक बात का खास ध्यान रहे, सबको बोल देना कि ये सरप्राइज प्रोग्राम है ना बापूजी के लिए, तो इसके बारे में बापूजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई, तू चिंता मत कर, चंपक को पता नहीं चलेगा कि उसके लिए सरप्राइज है। बस 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 बस, थैंक यू काका, थैंक यू, तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। वाह वाह, बापूजी के सभी दोस्त शाम को आ जाएंगे, बापूजी भी भजन प्रोग्राम की ये सरप्राइज से ऐसा खुश हो जाएंगे कि उनका सारा गुस्सा पानी पानी हो जाएगा। क्या जबरदस्त आइडिया सोचा है दया ने, वाह मेरी दया वाह। अरे मैं तो सबको भी बोल देता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, टप्पू मांग गया?
अरे काम है तसा, टप्पू ने तो मना कर दिया। ओहो, तो अब और क्या आइडिया दूं तुम्हें जेठालाल? नहीं नहीं मता साहब, आपको कोई आइडिया देने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले दया ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। अच्छा, क्या 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 आइडिया? यही कि आज शाम को घर पे बापूजी के लिए एक सरप्राइज भजन कीर्तन संध्या का आयोजन, और उसमें बापूजी के सभी दोस्तों को भी निमंत्रण दिया है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आइडिया जेठालाल, इससे बढ़िया आइडिया हो ही नहीं सकता। चाचा जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और क्या ये भजन कीर्तन संध्या में एकदम आध्यात्मिक वातावरण होगा, उसमें मैं बापू जी की माफी मांग लूंगा, तो बापू जी भी क्या एकदम खुश मूड में होंगे, तो माफ कर देंगे। तो हमारे बीच में जो तनाव चल रहा है वो खत्म, आज शाम को खत्म। बस एक चीज ध्यान रखना जेठालाल, कि इस भजन वाले सरप्राइज में कोई गड़बड़ ना हो जाए। बस इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है भाई? अरे आप क्यों नकारात्मक सोच रहे हैं? अरे जेठालाल नकारात्मक नहीं सोच रहा भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा सावधानी से कर। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब कुछ अच्छा हो, और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू माता सब, थैंक यू। चलो ओके। बागा ने भजन कीर्तन डाउनलोड कर लिया हो तो फटाफट घर निकल जाता हूँ। हाँ बागा, भजन कीर्तन रेडी हो गया है सेठ जी? चल ला जल्दी ला। पेन ड्राइव ही निकाल रहा हूँ, ये लीजिए। सब बढ़िया बढ़िया भजन कीर्तन डाले हैं ना सेठ जी? एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन डाले हैं, सभी लोग सुन के एकदम खुश खुशहाल हो जाएंगे, और बापू जी का आपके ऊपर का गुस्सा बाष्पी भवन हो जाएगा। बस बस, अगर बापू जी खुश हो जाए तो मैं जग जीता। अरे सेठ जी, बापू जी जरूर खुश होंगे। एक तो शाम को ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम, और दूसरा बापू जी की बचाव जाने की ट्रेन की टिकट। चेक कर लेता हूँ, हाँ है, बचाव की टिकट जेब में ही है। चलो नटू काका, मैं निकलूं। पता कीजिए। थैंक यू। बाका, क्या लगता है बापूजी सेठ जी को माफ कर देंगे? नटू काका, मैंने ऐसे ऐसे भजन कीर्तन डाउनलोड किए हैं जिसे सुनकर बापूजी उत्साहित, प्रफुल्लित और एकदम आनंदित हो जाएंगे। वो सेठ जी को एक बार क्या, बार बार माफ करते रहेंगे। Very good, very good. I am so proud of you, my better, smarter, faster Baga boy. Thank you, Nattu Kaka. Thank you. चलो, जलेबी और कचौड़ी तैयार है। अरे, टप्पू दीका, सब तैयार हो गए ना दीका? हाँ मम्मी, देखो सब तैयारी हो गई है। सारे सोफे हट गए हैं और ये डीवीडी प्लेयर भी रेडी है। साबस दीका, साबस। बस अब माता जी करें भजन कीर्तन के सरप्राइज बापूजी को अच्छी लगे, वो खुश खुशहाल हो जाए और तुम्हारे पापा को माफ कर दे। हाँ मम्मी, मैं ही भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज दादाजी और पापा के बीच में सुलह हो जाए। लेकिन मम्मी, पापा कब आ रहे हैं? अरे आ गया बेटा, आ गया। ओ हो हो हो, आज पता चला अपना हॉल इतना बड़ा है। सोफा वोफा हटा के सब तैयारी मस्त कर ली है। हाँ तो सब तैयारी हो गई है, देखिए कचौरी, जलेबी, मसाला दूध, सब तैयारी है। वाह वाह, मेरी अन्नपूर्णा, वाह। अच्छा बापू जी का? दादाजी अपने रूम में, मैं उनको बुला कर आऊं? अरे नहीं 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 बेटा, अभी नहीं भाई, उनके सब दोस्तों को आ जाने दे बाद में। हाँ, अरे हाँ टप्पू के पापा, आपने बापू जी के सभी दोस्तों को आमंत्रण दे दिया है ना? हाँ, प्रेम जी काका को बता दिया, ठीक 6 बजे आ जाना। ले, आपने सिर्फ प्रेम जी काका को ही आमंत्रण दिया है? अरे तो पापा, एक सोफा हटाने से काम चल जाता, मैंने कामा का सारे सोफा हटा दिए। अरे एक मिनट बेटा, जरा शांति रख। वो क्या है, बापू जी के सभी दोस्तों के फोन नंबर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने प्रेम जी काका को बोला कि आप सबको बता देना कि ठीक 6 बजे सब यहाँ आ जाए। अच्छा, तो प्रेम जी काका ने सबको बता दिया ना? ये बता ही दिया होगा। क्या बता दिया होगा? अरे पापा, आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए था, मैंने कामों का सारे सोफा हटा दिए। एक मिनट तो शांति रख भाई। और मुझे देखिए ना, मैंने कितनी सारी कचौरी, जलेबी, मसाला दूध बनाया, उसका वो भी एक सेकंड शांति रख, मैं अभी प्रेम जी काका को फोन करके पूछ लेता हूँ, ठीक है? जी आ गए, अभी उनके दोस्त नहीं आए, क्या होगा? मगर सोफा बंद। घर के सारे सोफे कहाँ गए? वो बापूजी घर में साफ सफाई करनी थी ना, इसलिए सब सोफे को बाजू में कर दिया है। हाँ। अरे चंपा! अरे जी! अरे अरे सब लोग, अरे हाँ, अरे आओ, अरे
अरे प्रेम जी क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ एक साथ? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तेरे बेटे जेठिया ने तुझे सरप्राइज देने के लिए तेरे घर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या? हाँ, और हम सब तुम्हें भजन कीर्तन और सत्संग का सरप्राइज देने आए हैं। पप्पू जी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? तेरे बेटे जेठिया ने तुझे सरप्राइज देने के लिए तेरे घर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या? हाँ, और हम सब तुम्हें भजन कीर्तन और सत्संग का सरप्राइज देने आए हैं। पप्पू जी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा। चंपक, मानना पड़ेगा तेरे बेटे को, इस उम्र में भी तुझे सरप्राइज दे रहा है। हाँ चंपक, इस उम्र में तो हमें सरप्राइज के बदले झटके ज्यादा मिलते हैं। जेठा बेटा, अचानक तूने ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम क्यों रखा? वो क्या हुआ, कल प्रेम जी काका के घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम था ना, उसमें बापू जी जा नहीं पाए तो मुझे और दया को बहुत बुरा लगा, इसलिए दया और मैंने फिर नक्की किया कि आज हमारे घर पे भजन कीर्तन का प्रोग्राम रख के हम बापू जी को सरप्राइज देते हैं। वाह वाह चंपक, तेरा जेठिया जैसा बेटा है, दया जैसी बहू है और टप्पू जैसा पोता है। अरे भाई, इन सब को देख के हमें तुम्हारी बहुत ईर्ष्या होती है, खरुण मित्रों। प्रेम जी काका, हमें जब भी समझ और संस्कार मिले वो बापूजी से ही मिले, और मैं तो बचपन से ही बापूजी के विचारों पे चलता आया हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभी ये क्या है, मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे तो मैं बापूजी से माफी मांग लेता हूँ। बापूजी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या मुझसे आपका कोई अनादर हो गया हो तो ना समझ समझ के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुबारक हो, मुबारक हो भाई। दया भाभी के सरप्राइज भजन कीर्तन की पार्टी के आइडिया ने चंपक चाचा का दिल जीत लिया है, और मौका देखकर जेठालाल ने भी माफी की पेशकश कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंपक चाचा जेठालाल को माफ करेंगे? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि चंपक चाचा शायद जेठालाल को माफ कर दे, लेकिन जेठालाल को यह पता नहीं है कि उनकी कुंडली में मुसीबत पहले ही पेन ड्राइव जमा के बैठी हुई है। अब ये देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो सरप्राइज पार्टी है ये जेठालाल की जिंदगी में एक नया हंगामा करने वाली है, जब यहाँ पे भजन कीर्तन की बजाय धमाकेदार फिल्मी हंगामेदार गाने बजेंगे। अब चंपक चाचा जेठालाल का बैंड किस तरह बजाते हैं ये देखने वाली बात होगी, चंपक चाचा का गुस्से का रंग कितना ऊंचा उड़ता है ये देखने वाली बात होगी, और जेठालाल किस कदर बेरंग हो जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन आपके घरों में हंसी के रंग उड़ते रहेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।